हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीप छात्रा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिज़ाइन। तो चलो एक नया वीडियो लेके, तो देख हम आज एक क्या करेंगे, एक नया सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे हाउ टू कन्वर्ट पीएचडी टू एचटीएमएल का बहुत सारा वीडियो, 3-4 पीएचडी हम कंप्लीट करके रखे, आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से आपको दिखाए। एंड अगर आप गूगल पे सर्च करें हाउ टू कन्वर्ट पीएचडी टू एचटीएमएल इन हिंदी, तो पहला जो वीडियो आएगा वो मेरा होगा। एंड और सर्च करें हाउ टू कन्वर्ट पीएचडी टू एचटीएमएल टू वर्डप्रेस इन हिंदी, तो वो भी मेरा पहला वीडियो आएगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं ये पीएचडी हम आज बनाएंगे, ये वाला पीएचडी। तो पीएचडी आप देख सकते हैं हम एक पीएचडी को एक टूर करा दे रहे हैं छोटा सा। ये वाला पीएचडी हम स्टार्ट करेंगे आज, एक वीडियो में नहीं होगा, हम अगर जल्दी में करें तो एक वीडियो में हो जाता है, लेकिन हम एक पीएचडी में 3-4 वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो धीरे धीरे हम करते प्रॉब्लम सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। एक पीएचडी हम 4-5 वीडियो बनाएंगे, पहला 3 वीडियो में हम पूरा पीएचडी कवर कर देंगे एंड फोर्थ वीडियो में हम जो रिस्पॉन्सिव पार्ट है रिस्पॉन्सिव पार्ट दिखेंगे एंड लास्ट में जो दिखेंगे जो आपका एनिमेशन ऐड करेंगे, इसमें कुछ हम एनिमेशन ऐड करेंगे, तो ये हम लास्ट 5th नंबर वीडियो में एनिमेशन ऐड करके दिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो इमेज है, कुछ इमेज है, पहले हम बैनर सेक्शन बनाएंगे। तो बैनर सेक्शन का जो इमेज है, तो हम एक बार इमेज को हम कट करके लेते अलग से रखते, उसके बाद हम एक नया वीडियो वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इमेज को कट करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक सेटअप फाइल है, हम जिसके अंदर आउल क्राउजल है, आउल क्राउजल मीन है, आउल क्राउजल थीम डिफॉल्ट एंड सीएसएस है। एंड अगर हम बाहर जाए इमेज में कुछ नहीं है एंड जेएस में देख सकते कस्टम जेक्वेरी है, इजी स्क्रॉल है, बूस्टर मीन यही है, ओके। एंड अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो आप देख सकते हैं वही लिंक किया हुआ है एंड फॉन्ट ऑफ बूटस्ट्रैप 4 यूज किया है, फॉन्ट ऑफ सम 4 यूज किया हुआ है एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी सीएसएस में भी सेम। तो ये मेरा और ये जो है एक आउल क्राउजल का स्ट्रक्चर है जो हमने हाइड करके रखा है, जहाँ जहाँ हमको आउल क्राउजल लगेगा हम वहाँ इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के। तो पहले हम क्या करेंगे, जो लोगो है लोगो को हम पहले काट करके काट लेते हैं, जो लोगो एक टेक्स्ट में है, इसको हम एक बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, स्मार्ट कन्वर्ट टू एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये आ गया लोगो, तो इसको हम काट करेंगे अभी। सॉरी दिस वन, ओके, देन इसको कॉपी एंड कंट्रोल एन, देन क्रिएट, देन पेस्ट। यहाँ पेस्ट किया है लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम एक बार बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर दे रहे हैं, देखिए अब ये लोगो हमारा आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है लोगो। तो हम बैकग्राउंड को हम इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे, देन सेव, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन पीएनजी में सेव करेंगे, देन इमेजेस, देन लोगो डॉट, लोगो नाम देंगे डॉट पीएनजी नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे पीएनजी हमने सेव कर लिया, तो हमको लोगो हो गया, सेव हो गया। देन हमको क्या करना है, एक बैनर, इस बैनर को हम लेंगे, ठीक है। इसमें भी हम एक बार इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम ले लेंगे, देख देंगे बैनर पूरा बैनर आ गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, हम सॉरी सेव कर लिया। देन इसको भी हम पूरा ऊपर से ले लेंगे, देन कंट्रोल क्रिएट, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल एन, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट, देन कंट्रोल वी पेस्ट, तो आ गया मेरा बैनर। देन हम इसको सेव करेंगे, सेव एस पीएनजी जेपीजी में करेंगे, देन बैनर 1, ओके।
तो ओनली बैनर दे रहे सेव, हाँ ओके बैनर ऑलरेडी सेव कर लिया। तो और एक चीज हमको करना है अभी, इसमें जो फॉन्ट है इस फॉन्ट को हमको चाहिए, फॉन्ट को हम डाउनलोड करना चाहिए। तो हम देख रहे डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसेवा वन फॉन्ट है, ठीक है। तो हम गूगल पे सर्च करते हैं एक बार, तो हम गूगल पे जाएंगे, मेरा नेट ऑफ है, हम नेट को ऑन कर रहे हैं। तो ये मेरा चैनल है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, 700 सब्सक्राइब है, मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मोनेटाइजेशन के लिए। तो चलिए गूगल पे सर्च करते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन सा। गूगल फॉन्ट, ये गूगल में मिल जाएगा, गूगल फॉन्ट बहुत अच्छा है, तो ज्यादा डाउनलोड भी करना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से ही आपको काम हो जाएगा शायद अगर गूगल में होगा। ये देखिए ये वाला, तो हम सिलेक्ट दिस फॉन्ट सिलेक्ट कर लिए, देन कस्टमाइज। तो आप देख रहे हैं कैसे फॉन्ट को हम गूगल फॉन्ट को यूज करें, तो हम कस्टम में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक ही इसका एक ही पार्ट है रेगुलर 400, मतलब इसका एक ही टाइप है, जैसा होता है ना दूसरा फॉन्ट में होता है बोल्ड इटली रेगुलर बहुत सारा होता है, इसमें एक ही है जो रेगुलर में, ठीक है। तो इस लिंक को हम पहले कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके फॉन्ट स्टाइल के पहले स्टाइल जो स्टाइल सी एस एस है हमारा वो सबसे नीचे आएगा, ये फॉन्ट है एंड ये वाला हमको जहाँ यूज़ करना है जिस फोल्डर में मतलब जिस चीज़ के ऊपर वहाँ पे ये वाला हम यूज़ करेंगे। तो अभी तो नहीं चाहिए, हम यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट पे आप रख रहे हैं, तो मेरा फॉन्ट भी सेटअप हो गया, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, चलिए पीएचडी में, तो मेरा फॉन्ट हो गया, तो पहले हम एक नेपबल लेंगे, पहले लेंगे नेप पर, ओके। तो हम जा रहे बूस्टअप गूगल बूस्टअप फॉर नेप पर स्टफ फॉर नेविगेशन बूस्टअप नेप पर बूस्टअप जो लिखा है वहां पे क्लिक किए, तो देखिए यहाँ पे आपका जो नेप आ गया, तो इसको हम जस्ट कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडर हेडर टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे, ओके। तो हेडर टैग के अंदर पेस्ट कर दिए, अब इसको हम ओपन कर रहे हैं, क्रोम में ओपन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ज्यादा कुछ नहीं है, नेबर है ओनली, तो हम नेबर अभी ऐसे ही रखने दे रखते हैं, देन हम एक बैनर यूज कर लेते हैं, बैनर बैनर इसको कर दे रहे हैं, देन देखिए यहाँ पे बैनर है, जो बैनर है ना बैनर को हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडर के बाद एक उसको हम मिनिमाइज करके रखें, क्लियर फिक्स देते हम, क्लियर फिक्स अगर कोई कुछ कैसे रखेगा तो लेके रखेगा तो क्लियर कर देगा, ठीक है। देन इसको हम सेक्शन लेते हैं, सेक्शन पे आईडी हम ऑल टाइम आईडी यूज करते हैं, देन बैनर एक आईडी ले लिया बैनर दे दिया, ठीक है। तो देन डीप क्लास कंटेनर सॉरी कंटेनर नहीं लेंगे हमको, क्योंकि हमारा यहाँ पे बैनर फुल विड्थ का है, तो हम कंटेनर नहीं लेंगे, सॉरी कंटेनर नहीं लेंगे बैनर। देन हम बैनर के अंदर क्या देंगे, बैनर के अंदर होगा हमारा एक टैग लाइन, ठीक है। तो इसको हम डबल क्लिक कर रहे हैं, हम ऐसे आ गया, क्यों डबल क्लिक करके ऐसा, क्योंकि हमने तो जो फॉन्ट लिया है डाउनलोड करके फोटोशॉप में इंस्टॉल नहीं किया, वो जस्ट हमने एचटीएमएल फाइल में इंक्लूड किया है, इसलिए वो ऐसे आ गया। मेरे जो कंप्यूटर है कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं, इसलिए ऐसा हो गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हम
कर दिया, देन इसको बार बीआर दे देंगे, एक ब्रेक दे देंगे, ये हो गया। देन उसके अंदर हम क्या लेंगे, ए टैग लेंगे, दो लेना पड़ेगा, एक एट नाम ठीक है, एक बुक टेबल, ओके ठीक है, और एक चीज देना है ये वाला, सॉरी डिवाइडर, ये डिवाइडर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस डिवाइडर को एक और इस फिर जाके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट देन देखिए एक लाइन में आ गया, देन इसको हम कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल एन उसका साइज में ही ले लेगा, कंट्रोल पी ठीक है, देन हम बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, सेव एस कंट्रोल एस से सेव, देन पीएनजी दे देंगे डिवाइडर, डिवाइडर ले लिया, इसको हम ये कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमको तीन टू इमेज हो गए, लोगो डिवाइडर एंड बैनर ठीक है। देन तो हम इस पे क्या करेंगे, इन एक डिव लेंगे फिर से, डिव क्लास डिवाइडर डिवाइडर देन इमेज, इसके अंदर इमेज दे देंगे इमेजेस देन डिवाइडर डॉट पी एन जी, देन ऑल्ट टैग जरूर दीजिएगा, ऑल्ट टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट टैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, तो हम थोड़ा साझा लिया इसको, देन ए टैग के अंदर हम दे रहे हैं कौन सा, बुक ए टेबल, बुक ए टेबल को कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे पेस्ट, ओके एंड और एक ले लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट मेनू, शायद दिखाई नहीं दिया अच्छी तरह से, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हाँ सीधा मेनू, सॉरी सीधा मेनू। तो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, अब देख रहे यहाँ पे आ गया। तो और एक चीज़ करना बाकी हो गया मुझे, ये जो कंटेनर लिया है हमने इसको हम देंगे कंटेनर के अंदर, ठीक है देखिए कंटेनर, ये कंटेनर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम बैकग्राउंड कंटेनर के अंदर नहीं दिया, इसको कंटेनर के अंदर दिया ठीक है। तो चलिए हो गया, हम अगर बैकग्राउंड को हम बैनर को हम लेंगे लिखेंगे, तो हम सीएसएस फाइल में जाएंगे, सीएसएस फाइल को ओपन कर लेंगे, देखिए सीएसएस फाइल ओपन किया, यहाँ पे कुछ शायद पुराना फाइल कुछ हमने लिखे थे उसका सीएसएस में, तो हम रिमूव कर दिया, हम फाइल अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, जस्ट डी पी एच वन एच टू का उसमें ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, यू एल का पैडिंग जीरो दिए, जस्ट नॉर्मल कुछ दिया हुआ है ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे लिखेंगे आईडी बैनर, आईडी बैनर देंगे, देन बैकग्राउंड यूआरएल इमेजेस देन बैनर डॉट जे पी जी, ओके हम दो ठो डॉट क्यू दिया, देखिए एक तो डॉट हमको ये सी एस एस फोल्डर के अंदर है, देखिए इसको माउस ले जाएंगे तो देखिए रेस्टूडेंट देन सी एस एस देन स्लैश स्टाइल, सो ये सी एस एस फोल्डर के अंदर है, सी एस एस फोल्डर के अंदर है स्टाइल, तो यहाँ से बाहर जाएगा एक एक डॉट, देन इसके इमेज के अंदर जाएंगे उसके लिए एक डॉट, तो दो ठो डॉट हमको चाहिए। अगर सी एस एस फोल्डर इसमें रूट फोल्ड रूट इसको कहते हैं रूट लोकेशन ठीक है, यहाँ रूट पे रहता तो हम एक डॉट से काम चला जाता है, अगर इमेज एंड सी एस एस दोनों ही ये यहाँ पे रहता तो हम एक भी कोई डॉट नहीं देना पड़ता है ठीक है।
तो चलिए हम यहाँ पे दे दिए, तो हम रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए बैनर आ गया। तो बैनर तो आ गया, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, इसको कहते हैं डेवलपर टूल्स। ये बहुत काम का चीज़ है, गूगल क्रोम पूरा क्रोम में बहुत अच्छा आता है, आपका इसमें भी आता है, सब ब्राउज़र में ही आता है डेवलपर टूल, तो क्रोम में बहुत अच्छा आता है, तो हम इसे क्रोम यूज़ करते हैं। तो बैकग्राउंड साइज देंगे, सॉरी पैडिंग देंगे, पहले पैडिंग 40 पिक्सल, ओके हाँ 40 नहीं 200 दे रहे हैं पिक्सल दोनों तरफ से 0, ओके पैडिंग 200 पिक्सल दे दिए, और भी चाहिए शायद, ठीक है 200 पिक्सल अभी तक अभी रहने देते, बाद में चाहिए तो दे देंगे। तो पैडिंग 200 पिक्सल दोनों तरफ से 0, ऊपर नीचे से 200 एंड दोनों तरफ से 0। बैकग्राउंड साइज कवर, सॉरी कवर, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन देंगे सेंटर, ओ सॉरी बैकग्राउंड साइज नहीं लिया, सॉरी साइज कवर, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो ये हो गया मेरा बैनर, ठीक है अभी बैनर इतना तक देते हैं। अगर आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको अगर बैनर में स्लाइडर चाहिए तो हम स्लाइडर बना देंगे, तो अभी स्लाइडर नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास एक ही इमेज है। आप अगर आपको स्लाइडर दिखते हैं कैसे बैनर में से स्लाइडर बनाते हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम बैनर पे स्लाइडर बना के दिखा देंगे, ठीक है। तो देन हम बैनर के अंदर जो कंटेनर है उसको लिखेंगे कंटेनर को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि कंटेनर है बूटस्ट्रैप का डिफॉल्ट क्लास, को छेड़छाड़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से कंटेंट बोल के क्लास ले लिए यहाँ पे को लेंगे। तो कंटेंट को सेव के लिए हम जितना क्लास हो सकते हैं उसके अंदर हम उसको लीक लेते हैं पहले, हाँ सॉरी मेरा कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, कीबोर्ड मेरा था थोड़ा रिपेयर करने के लिए दिए, चेंज हो गया वो क्योंकि उसका डेल का था बहुत अच्छा, तो उसको हमने दिया रिपेयर करने के लिए, पुराना है कीबोर्ड से काम चला रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सॉरी फॉर माई इंग्लिश एंड सॉरी फॉर माई हिंदी बिकॉज आई एम ए बंगाली पर्सन, सो आई एम कम्फर्टेबल विथ बंगाली, सो ओके प्लीज। सो पहले हम क्या करेंगे, कंटेंट के अंदर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके देन सेव, देखिए सेंटर में आ गया। देन जो फॉन्ट है फॉन्ट को हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है तो हम यहाँ पे देखिए फॉन्ट फैमिली लिख के रखे थे को कॉपी किए, देन H2 पे पेस्ट कर दिया फॉन्ट फैमिली, देखिए अब इसका जो फॉन्ट फैमिली है चेंज हो गया, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। तो हम इसको फॉन्ट साइज देंगे 30 पिक्सल, अभी 30 पिक्सल देते हैं, फोटोशॉप में देखते कितना फॉन्ट साइज है 90 पिक्सल है, तो 90 पिक्सल बहुत है, हम यहाँ पे देखते 60 ठीक है, कलर देते कलर वाइट लाइन आइट 22 पिक्सल, और भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ओके 80 एंड मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, सॉरी देन और भी देना पड़ेगा 40 पिक्सल मार्जिन बॉटम। तो ये मेरा हो गया बैनर H2 का, बैनर में H2 का जो स्टाइल है वो हो गया। आपको हम अब हमको करना है डिवाइडर का, ओके डिवाइडर का क्या करना है, मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा डिवाइडर को,
देखिए अब बैनर बहुत ये हो गया, तो हमको पैडिंग भी करवाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको ले लेते डिवाइडर को, डिवाइडर का क्लास ले लेते एक बार, डिवाइडर देंगे, मार्जिन बॉटम देंगे 20 पिक्सल। ओके मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दे दिए, देख रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा देंगे 30 पिक्सल दे देंगे मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। एंड और एक काम करेंगे इसके अंदर, इसके पहले जो एक क्लास है हम आईडी बैनर एंड कंटेंट क्लास को हम बैठा दिया, क्योंकि ए स्टाइल ओनली फॉर बैनर का जो डिवाइडर है उसके लिए लेगा, ठीक है। देन हम ए, जो ए है इसको हम करेंगे स्टाइल। तो पहले कोई कलर नहीं देंगे क्योंकि दोनों का कलर अलग है, तो दोनों को हमको क्या करना है, मुझे जस्ट अलग से एक टैब लेना है, बटन का अलग क्लास लेना है। तो पहले हम थोड़ा इसका मैनेज कर लेते हैं, एको देंगे, बॉर्डर देंगे, पहले बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, पैडिंग 3, पैडिंग 3 पिक्सल। ओके 10 पिक्सल एंड मार्जिन ऊपर नीचे से, ऊपर नीचे से 0 एंड दोनों टाइप से 10 पिक्सल 16 पिक्सल। ओके कलर, कलर दे रहे हैं यहाँ पे, कौन सा कलर है देखते हैं एक बार, कलर दोनों का व्हाइट है, कलर व्हाइट। तो ये आ गया मेरा, और देखते एक बार को पैडिंग थोड़ा बनाना पड़ेगा, पैडिंग पैडिंग ऊपर नीचे से 10 10 कर देंगे दोनों तरफ से 20। तो पैडिंग बढ़ा दिया। ओके तो हमने ए को कॉपी कर लिया, ए को हम यहाँ पे दे दिए। तो जस्ट कंटेंट के अंदर जस्ट हमको दो टो क्लास लेंगे, दो टो ए के, ए के लिए दो टो क्लास लेंगे हम, क्योंकि अलग अलग से हमको, तो हम क्लास नहीं लेके भी कर सकते, जस्ट क्या करेंगे ए देन फर्स्ट चाइल्ड देन बैकग्राउंड रेड सेव कर रहे, देखते लेने लेते कि नहीं, नहीं लिया। तो हम गूगल पे जाएंगे कि चाइल्ड हम बहुत दिन यूज नहीं किया है, CSS फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्टर, CSS फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्टर हमने दिए, देखते तो एक बार कॉपी कर लेंगे जस्ट, क्योंकि हमने बहुत दिन से यूज नहीं किए थे ये। नहीं लिया, ठीक ही दिए थे, देख देख। नहीं लिया तो ये प्रॉब्लम है, मतलब देखते एक बार इसको ले लिया, ये में नहीं ले रहा है, ये तो लेना चाहिए। कंटेंट के अंदर ए देन फास्ट, ओ सॉरी, ओके ठीक है। हम एक काम करते, हम क्लास यूज करते, बहुत अच्छा क्लास होगा, क्लास यूज करेंगे बुक टेबल, बुक टेबल एंड दूसरा यूज करेंगे सी मेन। बुक टेबल देंगे, क्लास को बैकग्राउंड देंगे, कौन सा बैकग्राउंड, ब्लैक एंड कलर व्हाइट, बैकग्राउंड ब्लैक
काम करने है क्या, इसको हमको थोड़ा ओपेसिटी कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपेसिटी हम कमाएंगे, पहले कमा देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम इसको क्लास को ले लेते, बैकग्राउंड वाइट एंड इसका बैकग्राउंड ब्लैक एंड इसको वाइट, वाइट का कोड है, इसको कहते हैं हेक्सा कोड, ठीक है। तो देखिए आ गया, तो इसको जस्ट ओपेसिटी कमाएंगे हम, बॉर्डर पहला वाला बॉर्डर हम दोनों का बॉर्डर नहीं होगा तो हम बॉर्डर रिमूव कर देंगे, इतना ठीक है। एंड बॉर्डर नन कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी नहीं, यहाँ पे पेस्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पेस्ट, देन रिफ्रेश, देन ये वाला हम इसका भी कलर हमको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, कलर को थोड़ा हम ओपेसिटी कमाएंगे, इतना ठीक है। बॉर्डर रहने देते, यहाँ पे बॉर्डर है, हाँ बॉर्डर हम रहने देंगे। तो इसका कलर हम कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो मेनू का जो कंटेंट है तो हम ये कर लिए। तो और एक काम करेंगे क्या, हम इसका पैडिंग थोड़ा कमा देंगे, तो 200 पिक्सल है इसको हम कमाएंगे, एक सौ चालीस, ठीक है। अभी 140 को 140 पे रखते हैं, अभी सेव। अभी क्या करेंगे, हम नैप पे जाएंगे, नैप पे चलते, नैप पे इसका कंटेनर लेना पड़ेगा। नैप पे पहले देखिए, दिन लोगो, हम लोगो जो है हमको लोगो बैठाएंगे, जो हमको हेडर पे जा रहे हैं, यहाँ पे नैप है, लोगो कर देंगे, देन लोगो डॉट पीएनजी, देन ऑल्ट सेव। देन देखिए यहाँ पे लोगो आ गया, लेकिन बैकग्राउंड के लिए नहीं आ रहा है, तो हम बिजी लाइट जो एक क्लास है यहाँ पे रिमूव कर देंगे। देन रिफ्रेश, नहीं गया, थोड़ा नेबल लाइट, सॉरी नेबल लाइट को एक बार रिमूव करके देखते हैं। ओके ठीक है, नहीं हमको कस्टम में ही, हम थोड़ा देख रहे कोई अगर चेंज करके हो सकता कि नहीं, तो हम कस्टम में ही कर देंगे। तो इसके अंदर हमको क्या चाहिए, एक ए से लेके पूरा नैप तक एक हम काट कर लेंगे, डीप देंगे, डीप कंटेनर बोल के, सॉरी हम पूरा काट कर लिया, नैप तक नहीं, नैप को छोड़ देंगे यहाँ से ना तक, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए हाँ ठीक है, अभी ठीक है, देने अभी डीप देंगे, डीप क्लास कंटेनर, देन इसके अंदर हमें पेस्ट कर देंगे नैप को, इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। ओके देन अब सेव, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगो यहाँ से स्ट्रेट हुआ है यहाँ पे, तो हमको थोड़ा इसके अंदर एडिट करना है, हम होम को रखेंगे एंड इसको रखेंगे, बाकी सब हम डिलीट कर देंगे, हम बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, सब डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया, होम रखे जस्ट ओनली, इसको भी हम डिलीट कर दिए, पूरा एकदम सेपरेट कर दिए, ठीक है। तो हम और एक बार रिफ्रेश दे रहे हैं, देखिए पूरा ये हो गया। तो हमको कैच करना है नैप जो हेडर है, हेडर को हम पोजीशन देंगे, तो बैनर के पहले हेडर, तो बैनर के पहले लिखेंगे, तो हेडर के पहले कोई डॉट व हैशटैग नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये एचटीएमएल का जो ये एचटीएमएल का डिफॉल्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट टैग है, नहीं देना पड़ेगा। तो इसको देंगे हेडर पोजीशन एब्सोल्यूट,
देखिए ऐसा हो गया, तो हम हेडर पे जा रहे पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप जीरो लेफ्ट जीरो राइट जीरो ओके वी देंगे 100% दे दिए 100% देख सकते हैं बैनर थोड़ा ऊपर चला गया ना। हाँ ऊपर तो जाएगा क्योंकि हम इसको बैनर के ऊपर चाहिए था, तो हो गया बैनर के ऊपर चला जाएगा। बैकग्राउंड उसके वाइट है इसलिए समझ में नहीं आएगा, थोड़ा हम बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देंगे। जब देखिएगा बैनर के ऊपर चला आया तो हम इसका बैनर जो ट्रांस कलर है कलर जो बीजी लाइट, हाँ बीजी लाइट जो है इसको हम हटाते हैं इसको। बीजी लाइट को हम पहले रिमूव किए थे लेकिन तब नहीं हुआ था क्योंकि तब बैकग्राउंड उसका बैकग्राउंड जो था वाइट ही था इसलिए नहीं हुआ था। अब हो जाएगा। हाँ अब देखिए इसका जो बैकग्राउंड है पूरा ऊपर से नहीं है, ठीक है। तो हमका जो मेनू है, मेनू समझ में नहीं आ रहा है, मेनू को एडिट करना पड़ेगा। मेनू सॉरी, ये जो इमेज हमने काटे है इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लैक सा ये है, इसको हम नहीं लिए थे। तो हम थोड़ा बैनर को और एक बार काट लेंगे। बिजी मेनू बैनर के ऊपर इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बैनर को एक बार फोटोशॉप में ओपन कर रहे हैं। बैनर इमेज को हम लेंगे फोटोशॉप पे। यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर है ये काला करके, इसको हम पूरा ऊपर में दे देंगे। देन सेव, देन जेपीजी पे बैनर को हम सेव कर देंगे। सीएसएस भी कर सकते थे लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसलिए हम यहाँ से ही पूरा कर दिया। तो देखिए ऊपर से एक ग्रेडियंट टाइप का है बैकग्राउंड ब्लैक कलर का, तो हम इसको राइट में लेना है होम को। तो क्या करें, होम को राइट में लेना है, मार्जिन राइट ऑटो जस्ट मार्जिन लेफ्ट कर देंगे एम एल सॉरी यहाँ पे देखिए आप पहले एम आर देन ऑटो, तो इसका मतलब है मार्जिन राइट ऑटो एंड उसको हम कर देंगे एम एल मतलब मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ठीक है। देन हम रिफ्रेश, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ चला है, ठीक है, ये इस तरफ चला है। तो इसमें हमको जो जो लिखा है हम थोड़ा लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे होम अबाउट को कॉपी कर देते हैं, होम है अबाउट है अबाउट इसको कॉपी किया, चार पांच तो कॉपी कर लेते हैं। तो चीज़ से कॉपी कर लेते हैं, अबाउट पे देंगे। देन मेनू रिव्यू, ये लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि मेरे स्पेलिंग में भी बहुत गलती हो रहा होता है। रिव्यू देन रिजर्वेशन, ठीक है, कॉपी देन ये हो गया मेरा। हम यहाँ पे रिफ्रेश दे रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो मेरा हो गया लेकिन यहाँ पे क्या है और एक सोशल आइकन है, आप देख सकते हैं तीन तो सोशल आइकन है। हाँ ये सोशल आइकन भी हमको देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो यूएल है कोलैप्स देन इसके बाद हम मार्जिन ऑटो, ठीक है, यूएल के बाद एक डीप लेंगे, सॉरी इसको हम ये कर देते हैं। वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा है क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, मेरा कीबोर्ड में प्रॉब्लम है और थोड़ा हम समझा के कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। डीप क्लास, हाँ डीप क्लास सोशल सोशल आइकन, ओके। देन इसके अंदर भी यूएल एल आई देन ए देन हम दे दिया, हम
पहला क्या है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है। तो हम जाएंगे गूगल पे, ना फॉन्ट असम का लिंक किया हुआ है, तो हम फॉन्ट असम 4 किया हुआ है, असम 4 आइकॉन, ओके। तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिया, वो तो है मेरा ट्विटर, ट्विटर इसको ले लिया, देन इसको कॉपी कॉपी, देन दो तो पेस्ट कर दिया, ट्विटर को जस्ट कर देंगे यूट्यूब, उसके बाद क्या है, यूट्यूब देन फेसबुक, देन यूट्यूब कर देंगे यूट्यूब देन फेसबुक, ओके सेव। एंड हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे आ गया। तो इसको हम थोड़ा स्टाइल करेंगे, जल्दी से स्टाइलिंग कर लेते हैं। यूएल में थोड़ा, सॉरी, लिंक को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, देन हम यहाँ पे पेस्ट, देन कलर देंगे व्हाइट, कलर व्हाइट, ठीक है, कलर व्हाइट दे दिए, रिफ्रेश। अभी भी कला होके रखा है क्योंकि हम यहाँ पे जो एक्टिव है, एक्टिव का कलर भी हम व्हाइट देना पड़ेगा, तो इसको हम जस्ट कॉपी करेंगे, देन तो कॉमा देके सेम कर देंगे, तो इस यहाँ पे भी वो वाइट हो जाएगा, जो एक्टिव है एक्टिव भी वाइट, एक्टिव नहीं हुआ वाइट क्योंकि हम देख रहे हैं, सॉरी लास्ट वाला में कॉमा नहीं आएगा, तो अब देखिए पूरा वाइट हो गया क्योंकि इसका फॉन्ट मुझे लग रहा है अलग है, देखते हैं कौन सा फॉन्ट है, ये वाला, तो हम थोड़ा फॉन्ट साइज हम थोड़ा बोल्ड करेंगे, देखते हैं फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे का, हाइट फॉन्ट साइज 20 पिक्सल बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ा दिए फॉन्ट साइज, कितना है यहाँ पे देखते हैं, 20 पिक्सल ही है, ठीक है। एंड थोड़ा मार्जिन बढ़ाएंगे, तो फॉन्ट साइज एंड पैडिंग थोड़ा दोनों तरफ से थोड़ा पैडिंग बढ़ा देंगे, पैडिंग ऊपर नीचे से 0 एंड दोनों तरफ से 20 पिक्सल 22 पिक्सल कर दिए, ठीक है। तो इसको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, तो मेरा तो फॉन्ट साइज थोड़ा और थोड़ा छोटा करते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है, तो हम 20 कर देते हैं, इसको फॉन्ट साइज को छोटा कर दिए, तो मेरा हो गया। देखिए मेन कवर करेंगे तो हमारा आ रहा है ब्लैक, तो ठीक है, तो एक कलर अच्छा है, तो अगर हमको चाहिए तो वाइट आएगा, तो हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे, देन पेस्ट एंड होवर लिखेंगे, होवर होवर कलर कलर वाइट, ओके कलर व्हाइट, देन सेव। देखिए होवर पे कलर व्हाइट ही आएगा, ठीक है। देन हम कर रहे हैं मेनू, अभी सोशल को करेंगे, जल्दी से करेंगे, सोशल को हम कॉपी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, सोशल देन सोशल दोटो ULLI, और मान लीजिए सोशल इंडिविजुअल सोशल को कोई क्लास लिखना है, इसलिए हम उसको लिख के रखे, तो ULLI लिखा है, UL में कोई क्लास नहीं देना पड़ेगा, स्टाइल लिखना पड़ेगा, ULLI में ही लिखना है, तो लिस्ट स्टाइल हम जंग देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ओनली, देन ए सेव। आप देख सकते हैं ये लाइन पे आ गया, हम ए पे जाएंगे, ए को कॉपी किया, देन कलर देंगे येलो नहीं है, ये थोड़ा ऑरेंज टाइप का है, ठीक है,
देन फॉन्ट साइज देंगे 20 पिक्सल, पैडिंग ऊपर नीचे से 0 दोनों तरफ से 20 पिक्सल, थोड़ा कम आ रहा है 16 पिक्सल, थोड़ा कम आ रहा है 10 पिक्सल दे रहे हैं दोनों तरफ से, ओके देन इसको भी अभी दे दिए। देख रहे हैं अब मेरा क्या है, बैनर रेडी हो गया, जो बैनर है मेरा रेडी हो गया। थोड़ा बैनर पे थोड़ा हम पैडिंग बढ़ा देंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत ये लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं बैनर पे, 180 कर दे देंगे, 180 ठीक है, 180 ठीक है, 180 ठीक है, नो 40 को हम 60 कर देंगे जस्ट, 180 नहीं सॉरी सॉरी कहाँ नीचे है, 60 कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश, अब देख सकते हैं मेनू, मेरा मेनू हो गया, ये लगभग 80% रिस्पॉन्सिव होगा, क्योंकि पूरा हम रिस्पॉन्सिव अभी लास्ट में सेट करेंगे, हम बोला है लास्ट में हम सेट करेंगे। देखिए रिस्पॉन्सिव है, मेनू भी देख सकते हैं, हमको इसको एडिट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव मेनू है लेकिन इसका स्टाइल नहीं है, हम इसको रिस्पॉन्सिव, देखिए फ़ॉन्ट बाहर जा रहा है इसलिए ऐसे हो गया, तो इतना तक ठीक है, जब हम और छोटा करेंगे तो फ़ॉन्ट बाहर जा रहा है, तो उसको हमको क्या करना है, फ़ॉन्ट साइज़ कमाना है तो ठीक हो जाएगा, तो ये हम बाद में कर लेंगे लास्ट में। तो देखिए इतना तक है, बहुत आसान सा, नेक्स्ट वीडियो हम जो बहुत जल्दी लाएंगे, एक दो दिन के अंदर ही नेक्स्ट वीडियो दे देंगे, नहीं तो कल ही नेक्स्ट वीडियो देंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड जो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, एंड हम मेरा पिछला वीडियो कुछ हम दिए अभी तो जानते हैं, मेरा कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है इस मेरे यूट्यूब चैनल से, तो हम अगर कुछ ख़रीदना चाहता है तो प्लीज़ हम, अगर आपको लगता है कुछ ख़रीदना है अमेजोन से, अमेजोन मेरा अमेजोन ही एफिलेट किया है अमेजोन साइड में ही, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए कुछ प्रोडक्ट का हम दे दिए, प्लीज़ आपको ख़रीदना चाहता है, आपको अगर ख़रीदना है तो प्लीज़ खरीद वहाँ से ख़रीदिए, क्योंकि मेरा भी थोड़ा अर्निंग हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा वीडियो मोनिटाइज नहीं हुआ इसलिए अर्निंग नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।